दोस्तों, इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया तो खुद महेंद्र सिंह धोनी से लेकर युवराज सिंह ने भी ठोका भारतीय खिलाड़ियों को सलाम। तो वहीं मैक्सवेल से लेकर अब शोएब अख्तर ने भी टीम इंडिया की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कह डाला है, सच में करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल ही जीत लिया। तो आखिर कैसे मनाए इन दिग्गजों ने भारत की जीत का जश्न, किसे बताया इस जीत का सबसे बड़ा हीरो, इन सबके दिल जीत लेने वाले बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और अफ्रीका में कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2024 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी टीम इंडिया ने अपने नाम का डंका पूरे क्रिकेट जगत में बजा दिया। जब हमारे सामने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई, तब उनका घमंड सातवें आसमान पर था। उन्हें लगा था कि टीम इंडिया इस बार भी 2022 की तरह उनसे हार जाएगी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भूखे शेर की तरह कैप्टन रोहित शर्मा के साथ मिलकर यादव शेर, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए मिलकर उनकी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और फिर इस रोमांचक मुकाबले में जो हुआ उसने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। जी हाँ, इंग्लैंड की टीम ने इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया तो यह उनका सबसे खराब फैसला साबित हुआ, क्योंकि रोहित के साथ मिलकर सूर्या ने अपने बल्ले से जमकर तबाही मचाई और अपनी टीम को 20 ओवर में 171 रनों के फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया, जो इस लक्ष्य का पीछा करने इंग्लिश के मॉब तब उनके बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल और फिर अपनी फिरकी के मायाजाल में उन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि सितारों से सजे पूरे इंग्लिश बल्लेबाजी क्रम को केवल 103 रनों पर ही ढेर कर डाला, जिसकी बदौलत न केवल 68 रनों से टीम इंडिया ने यह मुकाबला अपने नाम किया, बल्कि डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड से अपना बदला पूरा करते हुए उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर किया, साथ ही साथ फाइनल में भी डायरेक्ट एंट्री मार ली। इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाना तो बनता ही है, पूरा हिंदुस्तान दिवाली की तरह इस जीत को सेलिब्रेट कर रहा है, सभी बेहद खुश हैं। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने भी टीम इंडिया की इस जीत को सलाम ठोका है। जहां सबसे पहले सिक्सर किंग युवराज सिंह ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए लिखा, वेल प्लेड इंडियन बॉयज, गुड नाइट मेरे ससुराल वालों, उम्मीद है आपको आज की रात अच्छी नींद आए। जी हां, उन्होंने अपने ससुराल वालों को ताना मारते हुए उनकी हार पर उनका मजाक उड़ाया। तो केवल इतने नहीं, उन्होंने कहा कि ये जीत टीम इंडिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी। जिस तरीके की यूनिट, लाजवाब बैटिंग और गेंदबाजी का नजारा टीम इंडिया ने दिखाया है वो अपने आप में काबिले तारीफ था। ये जीत सालों तक याद रखी जाएगी, बस एक कदम दूर और हम वर्ल्ड चैंपियन होंगे। ऑल द बेस्ट गाइस। तो वहीं दोस्तों, अब ग्लेन मैक्सवेल ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा है कि निश्चित तौर पर टीम इंडिया की दुनिया की बेस्ट टीमों में से एक है। इस मुकाबले में मुझे लगा था कि इंग्लैंड जीत जाएगा क्योंकि उनके पास ज्यादा बेहतर खिलाड़ी थे जो इन परिस्थितियों में परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन टीम इंडिया ने केवल मुझे ही नहीं बल्कि लाखों लोगों को गलत साबित किया है। लगातार हर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना आसान नहीं है, इसके लिए टीम इंडिया की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उम्मीद है कि अब वो सेमीफाइनल फाइनल भी जीत जाए, क्योंकि यहाँ आकर भी वो फाइनल हार जाएंगे तो उनसे ज्यादा दुख मुझे होगा। जी हाँ दोस्तों, वो चाहते हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीते। तो वहीं खुद महेंद्र सिंह धोनी ने अब बयान देते हुए कहा है, इतनी मुश्किल पिच पर जिस तरीके से टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की, रोहित शर्मा ने टीम को फ्रंट से लीड किया और 171 रनों तक पहुंचाया, वो काबिले तारीफ था। खासतौर से अक्षर पटेल की गेंदबाजी तो इस मैच की टर्निंग पॉइंट रही है, जिन्होंने लगातार अपने 3 ओवर की पहली गेंद पर विकेट हासिल की और कुलदीप यादव ने जिस तरीके से मिडिल ओवर में अपनी कातिलाना गेंदबाजी से कहर बरसाया, उसका लाइव दर्शक दर्शन करना अपने आप में मनोरम लम्हा था। वैसे तो 171 रन एवरेज स्कोर होता है, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने उसे ऐसे फील करवाया जैसे कि ये 250 से भी ज्यादा हो, कमाल का टीम एफर्ट। तो केवल वही नहीं दोस्तों, अब तो खुद पाकिस्तान से भी टीम इंडिया को बधाई संदेश मिल रहे हैं, जहां शोएब अख्तर ने कहा है कि माशाल्लाह खुदा ने भारतीय खिलाड़ियों को बड़ी फुर्सत से बनाया है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी टूर्नामेंट या चुनौती आ जाए, टीम इंडिया हमेशा टॉप पर रहती है। भले ही वो टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, लेकिन फाइनल में पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि इस बार वो इस चेन को भी तोड़ने वाले हैं। इस बार टीम इंडिया फाइनल में अफ्रीका को जरूर हराएगी और T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनेगी, ऐसी मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है और दिलों जान से मेरी इच्छा यही है। जी हां दोस्तों, हर तरफ केवल टीम इंडिया की ही तारीफ हो रही है, सभी उनके प्रदर्शन से बेहद खुश हैं और एक्साइटेड भी। आखिर अब इंडिया और अफ्रीका के फाइनल में क्या होने वाला है? लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतेगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।